जमीन दलालों का मनोबल अब बढ़ता ही जा रहा है। जहां भी खाली और बड़ी जमीन दिख रही है, वो माफियाओं द्वारा उसे हड़पने की साजिश शुरू हो गई है। इस साजिश में लेकर अंचल से लेकर कई लोगों की मिलीभगत थी साफ नजर आती है। एक ऐसा ही मामला भी ITOP थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार पर जब जानलेवा हमला हुआ, तब पूरा गांव एकजुट होकर भूमाफियों के खिलाफ खड़ा हो गया। ये जमीन रिंग रोड सटे होने के कारण जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से आए दिन जमीन देखने अलग अलग दलाल चक्कर कर रहे। रिंग रोड चुट्टू में खाता नंबर 98 प्लॉट नंबर 246 और 247 है और वर्तमान में रसीद भी दादा शेखवाद नाम से कट रही और भूमि को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है। आखिर बावजूद इसके एक बाउंसर गिरोह का सहारा लेकर जमीन पे कब्जा के लिए प्रयासरत है। मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान है ना, हम बाल बच्चा के परवरिश के लिए यहाँ पे छोटा सा दुकान खोले हैं। यहाँ पे हम लोग अकेले रहते हैं और वो लोग जैसे मतलब इतना आदमी लेके आ जाते हैं, वो लोग तो हम लोग को मार भी सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे है? हम लोग अगर दुकान नहीं करेंगे, हम लोग देखिए छोटा सा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा लोग है, तीन लोग का परवरिश हम लोग कैसे करेंगे? वो लोग आके धमकी देता है, तो हम लोग कैसे यहाँ पे रहेंगे, कैसे दुकान करेंगे, हम बाल बच्चा का कैसे पेट पालेंगे? मैम, ये जमीन 1932 में जब खतियान बना है, उस टाइम से मतलब हम लोगों के दादा लोग का है, और अभी तक जिसके मतलब खतियान में हम लोग का जो बंटवारा हुआ है बकब्जे के हिसाब से, वैसे में हम लोग पूरे खानदान का अभी तक पोजीशन में शांतिपूर्वक दखल काबिज हैं। इधर दो ढाई साल से इरबा के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि एक खतियान में एक बुढ़िया थी हम लोगों की, मुसामात जहलू, उन लोगों का कहना है कि हम लोगों की दादी बुढ़िया थी और वही वंश से ये लोग आते हैं, जबकि वैसा कहीं कुछ बात नहीं है। चूँकि इतना दिन से अभी तक वो लोग भी मतलब हम लोग कभी मतलब मरनी जीनी या शादी ब्याह कभी तक कोई खोज पुछार नहीं हुआ, और ये लोग 1.5 साल पहले ये ज़मीन को बेच दिए हैं। ये अरसंडे के एक आदमी हैं निशिकांत सिंह और निशांत सिंह, वो लोग शायद थोड़ा सा ज़मीन के मामले में वो लोग हैवी हैं, तो उन लोग के पास बेच दिए हैं। अब वो लोग जब बेच दिए हैं तो अभी वो आदमी भेज के यहाँ पर, और इरबा वाले भी आते हैं, और कल जो आए थे तो कल समझिए कि दो ढाई सौ आदमी आए थे, और जिसमें 25-30 लेडीज़ भी थी, और लेडीज़ को आगे करके हमेशा वो लोग पीछे पीछे रह के अपना ही किया। जहाँ तक बात है इस ज़मीन का, तो ये ज़मीन जो है रिंग रोड में भी इस ज़मीन का हम लोग कुछ पार्ट गया है, उसका मुआवजा भी हम लोगों को ही मिला है। हमारे फादर हुए, हमारे बड़े पापा हुए, उन लोगों को मिला है। जबकि अगर वैसा होता तो सरकारी पेमेंट था वो, तो वहाँ से भी ऑब्जेक्शन हम लोग को लग सकता था, लेकिन हम लोग को मिला है वो, हम लोगों के पास उसका पेमेंट का भी ये है, और बैंक में जो हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी हम लोग के पास है। जहाँ तक बात है इसमें जमीन हम लोग के, हमारे दादा लोग थे तीन बूढ़ा, तो तीन बूढ़ा में लगभग 1.5 शेयर बिक गया है, 1.5 शेयर बचा हुआ है। और अगर वो लोग आते हैं तो सिर्फ जो बचा हुआ है हम लोग का खतियानी ज़मीन, सिर्फ उसी में आते हैं, और जो बिक गया है उस शेयर में क्यों नहीं आते हैं? अगर उनका बनता तो जो बिका है उनका उस प्लॉट में भी तो बन सकता था उन लोग का, लेकिन वो लोग सिर्फ आते हैं कि जो हम लोग मतलब बचा के रखे हैं उसी में। मतलब पब्लिक का जो ये लोग जो है बंसावली बनाने के लिए पता नहीं यहाँ आया है कि नहीं आया है, आने से भी जो है वो लोग को जवाब शायद मिल गया कि यहाँ कोई जो है वो लोग का कोई बंसावली में वंशज है ही नहीं जो हम इसमें साइन करें। ये लोग जो है कहीं से नोटरी पब्लिक से बना के लाया है अपना। और बात रहा ये लोग का जमीन का, तो ये 98 खाता में जो है, जो इस प्लॉट में, इसमें भी तीन शेयरदार हैं। तीन शेयर में मतलब कहिए कि 1.5 शेयर बेच चुके हैं और अभी 1.5 शेयर बचा हुआ है, और यही 1.5 शेयर में ही मतलब वो लोग दावा कर रहा है या आता जाता है देखता है। कल जहाँ तक बात है जो जो हुआ वो तो आप देखबे किए, देख लीजिएगा। बाकी और भी इस खाता में जितना भी है ज़मीन, इन लोग आज हमको लगता है 1932 खतियान के हिसाब से इन लोग अपना, हमको लगता है कि 10 प्लॉट बेच चुके हैं, उसमें आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ है। और इन लोग अभी, इन लोग जो इस प्लॉट में अपना, जब से हम लोग का होश हमरा, ये लोग अपना जोत कोड़ कर रहे हैं, इन लोग बाउंड्री वाल किए, घर बनाए, खेती बाड़ी अभी तक भी कर रहे हैं। इन लोग का ये से शेखवाद अली वगैरह के नाम से अप टू डेट रसीद कटते आ रहा है। तो याद है उससे पहले से ये लोग हमारा बाग वालों को खेती बाड़ी कर रहे हैं और हम लोग कब्जे में हैं, हमारे दादा के नाम से रसीद कट रही है
और इतना लंबा जो बोरी मुनरी किए, कोई रोक टोक नहीं किया आज तक। अब कोई आदमी जो है बड़ोकर वहाँ का है, कांके का है, वो आदमी ले लिया है, जिसको बेचने वाला है आपका इरबा का हाशिम है, शकील है, इरफान है और मुमताज़ है, इम्तियाज़ है, ये तमाम लोग जो है उसको दे दिया है। अब हमको लगता है कि वो जो लिया है बड़ोकर, वो इसे प्रतिशत मांग करता होगा कमिंग का कब्जा करा दो या जैसे भी हो, लेकिन वो लोग आता है धांधली करता है। इससे पहले जब हम लोग बाउंड्री कर रहे थे अभी, तो उस समय भी बहुत परेशान किया अलग है, लेकिन प्रशासन हम लोग को साथ दिया जब हम लोग बाउंड्री कर पाए। अभी फिलहाल कल की बात है, कल अचानक वो जो आया करीब 12 बजे आया, 12:30 बजे। अब यहाँ लोग जो थे दुकानदार लोग, हर भतीजा लोग, वो लोग खाने के लिए चले गए थे, और वो लोग आया अचानक, आने के बाद जो है इधर का ये दरवाज़ा यहाँ था, दीवार था, वो गिरा दिया ढकेल के। अब 10 आदमी मिलकर ढकेला तो गिरेगा ही, उसके बाद उधर जो बाउंड्री किया हुआ तो पूरा ईटा के यहाँ से वहाँ तक गिरा दिया, ढकेल गिरा दिया। यहाँ हमारा सामान था भी अंदर में, यहाँ वहाँ का ताला काट करके जितना मशीन था करीब 50-60 हज़ार का माल रहा होगा, उस सामान को तो उठा ले गया है, और दुकान से भी पैसा उठा के वो लोग चला गया। यहाँ तक कि जब फिर गाँव के लोग आए, प्रशासन खबर किया, प्रशासन आए, आने के बाद जब वो लोग को वो लोग देखे, काके वाले लोग आने बाहर से आने वाले लोग, तो वो लोग छीटी फिर होना शुरू हो गए। पहले तो बोझक हुआ हम दोनों में, और लोगों में, ये हम लोगों में, लेकिन प्रशासन आने के बाद फिर बोझक नहीं हुआ, और वो लोग को भी समझा बुझा के भेज दिया गया है। 4 साल से बेसी से अपन बकौती जमीन है, और इरबा वाले नाथी लर हम इन कर है कुछ नहीं करती, और बहुत आदमी आए रहते, 150 आदमी। क्या कर रहे थे लोग? आगे तोड़ फोड़ किया, तोड़ फोड़ किया, कैमरामैन चोरा के सब के ले गए। जमीन जो है ये हमारे ससुर जी का है ना, और इरबा के लोगों का कहना है ये जमीन हम लोग का है, करके कल मतलब 100-150 लोगों को लेके आए थे हमारे ज़मीन में, और हमारे ज़मीन में आने के बाद मैंने पूरा तोड़ फोड़ किए, सीसीटी कैमरा सब लगा हुआ था वो सब भी ले गए। उसके बाद मेरा दुकान है यहाँ पे छोटा सा, उसमें पैसा सब था वो सब भी मतलब ही कर लिए, और मारने का भी धमकी देते हैं। ये इरबा के हाशिम अंसारी, और उनका पूरा मतलब घर के ही है, शकील अंसारी, चार दीवारी और ये लोग हैं, तो ये लोग पूरा गैंग लेके आए थे और पूरा तोड़ फोड़ किए हैं और मारने पीटने का भी धमकी देते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।